पंच नॉर्मल पेट्रोल वाली टॉप सेलिंग कार है। तो ये आपको बेसिकली सिटी के लिए बहुत बढ़िया माइलेज निकाल के या रेंज निकाल के आपको गाड़ी में देगा। 3, 2, 1 गो। पहुंच चुका 103। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं CG04 कार्स। और भाई अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ पंच CV में, जैसे कि आपने पहले इसका रिव्यू भी देखा और काफी लोडेड फीचर के साथ ये गाड़ी आ चुकी है मार्केट में। बेसिकली दो रेंज में आ रही है, एक लॉन्ग रेंज और एक मिड रेंज बोलेंगे इसको, जैसे कि आपने फीचर्स वाले सारा कुछ डिटेल में देख लिया। ठीक, आज बारी है गाड़ी के थोड़ा टेस्ट राइड की, जानेंगे कि कैसे चलने में क्या है। ऑलरेडी जैसे कि अब पता है आपको, पंच नॉर्मल पेट्रोल वाली टॉप सेलिंग कार है और काफी यूनिट्स बेच रही है टाटा पंच को लेकर, और लोगों का काफी प्यार भी है उस गाड़ी में, रिस्पॉन्स भी है, उस प्रैक्टिकलिटी है एक्चुअल में उस गाड़ी में। लेकिन जब ईवी आ चुकी है, ईवी की बात आती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं श्योरिटी में थोड़ा सा कन्वर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा वो माइंडसेट क्लियर नहीं हो पाता है, बिकॉज कितना चलेगी, क्या चलेगी, क्या परफॉर्मेंस रहेगा, कहीं अटक तो नहीं जाएगा गाड़ी। आज के वीडियो में पूरा डिटेल वो सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा मैं, कैसा रिस्पांस है, क्या सिटी ड्राइव आपको देगी, क्या क्लेम एक्चुअल में कंपनी जो क्लेम करी एक्चुअल में आपको मिलता है। तो ये देख रहे हैं भाई सामने से लुक, आपको पंच EV का ऐसा कुछ मिल जाएगा। और अब आपको पता है कि इस गाड़ी में आपको जो चार्जिंग पॉइंट है फ्रंट में दिया गया, अब काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद आ रहा है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा है। सामने से दिया तो इसको इजीली एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे जो घर में जो इलेक्ट्रिक वॉल है वो साइड में होता है, ना कि फ्रंट में। अब इसके लिए फ्रंट में करवाना पड़ेगा। ठीक, ये आप देख रहे हैं प्रॉपर जो आप 35 kW वाली जो बैटरी पैक आती है, बेसिकली इसमें आपको जो चार्जिंग चार्जर जो है दो मिलता है, एक 3.3 kW का और 7.2 kW का जो फास्ट चार्जिंग वॉल वाला, आपको वो 50,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ठीक, बाकी वर्थ इट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है काफ़ी मिक्सअप होके आई है। इवन बोलूंगा मैं जो सारे फीचर लोडेड है इसमें कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आपको मिल जाते हैं, दिख जाते हैं गाड़ी में। ठीक, 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा स्क्रीन, बड़ा क्या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सब कुछ जो आपको प्रोवाइड किया गया, बस आपको कनेक्टेड LED टेल लैम्प जो गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं। ठीक, ये आप देख रहे हैं। चलो गाड़ी को अगर बात करते हैं, थोड़ा सा ड्राइव क्वालिटी देखते हैं गाड़ी का। ये आप देख सकते हैं रीजन मोड आपको प्रॉपर मिलता है गाड़ी में। भाई फीचर से तो कोई कमी नहीं है गाड़ी में, देख रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा कुछ ये एक्सेस कर सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, और मस्त ये आपको फील देने वाला है, हैरियर और नेक्सॉन का मिक्सअप है ये बोलूंगा। ठीक, अब इसको डालते हैं ड्राइव मोड में। ब्रेक मैंने दबाया, ड्राइव मोड जैसे मैं पुट ऑन करता हूँ, देखिए अभी नॉर्मल मोड है, इको मोड में इसको डाल लेते हैं, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ठीक, तो इकोनॉमी मोड वो मोड है जो आपको रेंज तो है काफी बढ़िया दे देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 225 का रेंज अभी क्लेम कर रहा है गाड़ी में। और इसका जो क्या बैटरी है अभी ये निकाल रहा है 87% अभी दिख रहा है गाड़ी में, इकोनॉमी मोड एक्टिवेटेड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और 225 का रेंज आपको किलोमीटर जो अभी क्लेम कर रहा है, जैसे इसको स्पोर्ट्स मोड करेंगे तो ये चीज़ घट जाएगा और ये जो रेस्पॉन्स आप देख रहे हैं ये आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको रेंज नहीं मिलेगा। इसको कर लेते हैं यू टर्न, और थोड़ा सा अभी नहीं भगा रहा हूँ, अभी मैं ये चीज़ सारा मोड क्लेम कर रहा हूँ मैं। ठीक, बाकी रीजन मोड की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं, देखिए तीन लेवल मिलेंगे, ये आपके रीजन लेवल है। ब्रेक एक्सलेटर दे रहा हूँ, देखिए गाड़ी जो है छोड़ते ही धीरे 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 रुक जाएगी, 7 के स्पीड में चल रही है अभी गाड़ी। तो ये आपको बेसिकली सिटी के लिए बहुत बढ़िया माइलेज निकाल के या रेंज निकाल के आपको गाड़ी में देगा। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ कम, आऊँगा धीरे धीरे सारे मोड्स में आऊँगा, अभी ये बेसिकली इकोनॉमी मोड को टेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं ये रीजन हटाया, देखिए आपका रेंज जो है घट चुका है। तो इसी प्रकार आपको जो ईवी का जो प्रैक्टिकल यहाँ पे पता चलता है, देखिए 360 डिग्री का कैमरा पूरा आप मजा ले सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह से कुछ आपको
मिलता है सारे फीचर का मजा। अब भाई जिसका बजट है इसमें, जिसको फीचर भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए और पैसा कुछ आगे, इसके अलावा जो गाड़ी ले लिया इसके अलावा खर्चा नहीं करना है, निकल के आता है ईवी में आपको कोई खर्चा नहीं। अगर टीआर वन सिटीज या मेन सिटीज में आप रह रहे हैं, और गाँव में भी आजकल यार ईवी वगैरह ज्यादा प्रैक्टिकल यूज हो चुका है। मैं जितना देख पा रहा हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ ज्यादा चल रही है एज कम्पेयर टू पेट्रोल वाले गाड़ियों में। ठीक है, इकोनॉमी मोड हो चुका है, ये रीजन हमने देख लिया। अब बारी आती है क्या, देखिए जैसे मैं एक्टिवेट किया ये आ चुका 220-218 के किलोमीटर से 195 का रेंज आपको दिख रहा है, इसका जो क्लेम है यहाँ पे आपको दिख रहा है। रेडी है, 3-2-1 गो। पहुंच चुका 103। भाई ईवी में जो थ्रिल मिलता है ना, नेक्स्ट लेवल चीज है। चलो एक और बार टेस्ट करते हैं ये। भाई मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये चीज आप ऐसे कहीं भी ट्राई ना करें, ये पूरे प्रॉपर खाली रोड के साथ, ये सेफ्टी के साथ ट्राई किया जाए। व्हील स्पिन्स का बहुत जो आवाज सुना होगा आपने, बहुत ही मजेदार। इन 3-2-1 गो। अभी नहीं पहुंच पाया, उस टाइम पहुंच गया था। तो ये एक्चुअल में जो स्पोर्ट्स मोड का है, इसमें आपको एक्चुअल बात बताओ तो प्रैक्टिकली ये जो है रेंज घटाएगा, है ना। तो ये आपने देखा 0-100 में पंच ईवी में जो अब मैंने दिखाया, ठीक है, जो थ्रिल है, रिस्पॉन्स है वो आपको मिल रहा है, लेकिन जो आपको रेंज है इसमें आपको क्लेम नहीं करेगा, ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन आपको रेंज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो आपको इकोनॉमी मोड में जा सकते हैं, जैसे कि आपको टियागो या टिगोर ईवी आपने चलाया होगा या नहीं चलाया होगा, उससे बढ़कर फीचर इस गाड़ी में आपको ऑफर किए जाते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब 16 से 17 लाख के बीच में ये आपको लॉन्ग रेंज वाली मिल जाएगी, और मिड रेंज का मैं आपको मेंशन कर दूंगा जो 25 किलोवाट के साथ आती है। ठीक, ये हमने देखा पंच ईवी लॉन्ग रेंज। मेरे को पर्सनली अगर बात करूं, गाड़ी सटीक बैठ के आई, प्राइस पॉइंट भी ना ज्यादा ना कम है, लेकिन जो आपको ईवी का मजा है तो फिर ईवी का मजा एक और ही कुछ अलग होता है। पेट्रोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लॉन्ग रेंज में एक ट्रिप करना है तो उसके लिए आप पेट्रोल में जा सकते हैं। पंच एक हमेशा से टॉप सेलिंग गाड़ी रही है। अब ईवी आने के बाद अब कैसा रिस्पॉन्स रहता है वो आगे आपको 2-3 महीने बाद पता चल जाएगा, लेकिन पंच से नॉर्मल यहाँ पे आपको एक टायर साइज जो है अप मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलॉय भी जो है न्यू डिज़ाइन के आपको ऑफर किए जाते हैं। असली मज़ा तो यहाँ पे मोटर की बात की जाए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि 25 किलो वॉट वाले में वो निकाल के देगा 118 BHP और 170 Nm का टॉर्क, और ये 35 किलो वॉट वाले में निकाल के देगा 120 BHP और 190 Nm का टॉर्क। 190 Nm टॉर्क जैसे इस गाड़ी के लिए बहुत काफ़ी होता है, इसलिए इसमें आपको जो पुश बैक है, जो थ्रिल है, इस गाड़ी में आपको ऑफर किया जाता है। जो मार्केट में जो लीड कर रहा है ईवी सेगमेंट में, टाटा ही बोलूँगा, क्योंकि और सेगमेंट की और ईवी की गाड़ियाँ मैंने आपको मार्केट में ना दिख रही है ना तो आपको मिलेगी, क्योंकि टाटा अभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ईवी में। मैं अगर इन पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन अगर आपको जानना है तो मेरे को अगर सिटीज़ में मेरा मेजर काम रहता है तो मैं ईवी बहुत बेस्ट सटीक बैठ के आएगा, वो चीज़ के लिए प्रैक्टिकलिटी के लिए मैं मानता हूँ। भले आपको अगर आप स्कूटी में जा रहे 80 किलोमीटर या 100 तक भी आपको रेंज मिल रहा, भाई आप 100 किलोमीटर कहाँ चला लोगे ईवी को। अगर गाड़ी में आप जा रहे हैं तो आपको 200-250 का भी रेंज मिल रहा, सिटी में आप कहाँ 250 किलोमीटर चला लोगे, आप ये मेरे को बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताओ कहाँ चला लोगे आप। हालांकि मैंने माना TR1, अरे अंकल TR1 सिटीज़ में 200-250 किलोमीटर कुछ नहीं होता, डेली का अगर एवरेज में 100-150 किलोमीटर भी मानता हूँ तो बहुत प्रैक्टिकल निकल के आती है ये जो है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे सेकेंड रो की अगर बात की जाए तो सेकेंड रो में अगर मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे कंजस्टेड लगा। अगर मैं 6 फीट का इंसान हूँ तो यहाँ पे मेरे को अगर हेडरूम की बात की जाए तो मेरे को काफ़ी हेडरूम नहीं मिलता है, तो ईजिली जो है सर जो है टकरा सकता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी आप देख सकते हैं फीचर वाइज जो है काफ़ी बढ़िया निकल के आती है, आम रेस वगैरह प्रॉपर मिलता है, और बूट जो है 315 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। ठीक, सेफ्टी की बात की जाए तो ऑलवेज ऑन टाटा है भाई, 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से, मतलब जो 25 किलो वॉट वाली आएगी 6 एयरबैग आपको उसमें मिलेगा, ABS EBD ESP के साथ प्रॉपर आपको
देगी गाड़ी। भाई मेरे को कहीं से नहीं लगा बॉडी रोल की गाड़ी में है, इतनी छोटी कॉम्पैक्ट साइज सब 4 मीटर के सेगमेंट के नीचे की गाड़ी है ये, बॉडी रोल आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो फ्रंट लुक है आपको हैरियर, सफारी और नेक्सॉन वाले मिलेंगे, LED सेटअप के साथ आपको मिल रहा है। और ये आपको प्रॉपर जो है वर्किंग क्या बोलते हैं कि वेंट्स दिए गए हैं, एरोडायनेमिक वेंट्स जो आपको देख पा रहे हैं फ्रंट बम्पर में, ठीक। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कवर अप किया गया, हॉर्न का प्लेसमेंट यहाँ पे, 360 डिग्री कैमरा। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ बम्पर के सामने से तो ये आपको नेक्सॉन वाला फील देगा। तो ठीक है गाइस, होप करता हूँ कि आपने ये देखा 0-100 पंच ईवी का टेस्ट राइड और ये रहा ड्राइव इंप्रेशन। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।